साथियों, और अब बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 183 की। मोदी सरकार ने पहली बार देश में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग शुरू करवाई। इस पहल का दो उद्देश्य था, एक तो देश में विश्वविद्यालयों और संस्थानों को विश्व स्तरीय मॉडल के तहत रेटिंग करना और दूसरा छात्रों को गुणवत्ता के आधार पर कॉलेज और संस्थानों को चुनने का अधिकार देना था। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर एचआरडी मिनिस्ट्री ने रैंकिंग के लिए एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क नाम की एक नई संस्था बनाई। वर्ष 2016 से रेटिंग की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई। एचआरडी मिनिस्ट्री ने नई व्यवस्था के तहत ग्रेडिंग की जगह रेटिंग की शुरुआत की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग निर्धारित करती है, जबकि एनआईआरएफ रेटिंग तय करती है।